नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास का महीना पूजा पाठ जप तप दान के लिहाज से बहुत खास माना जाता है और जब कोई व्रत अधिक मास में पड़ जाए तो वो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बता दें कि अधिक मास की अमावस्या को धर्म ग्रंथों में पर्व कहा गया है। अधिक मास की अमावस्या 3 साल के बाद आती है। यही वजह है कि इस दिन दिए गए पिंडदान, तर्पण और दान से कई 7 पीढ़ियों तक पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। परिवार में दुख दूर होकर खुशियों का आगमन होता है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं। बता दें कि अमावस्या के साथ ही 1 महीने तक चलने वाला अधिक मास का महीना भी खत्म हो जाएगा और दोबारा से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल अधिक मास की अमावस्या तिथि कब है, साथ ही शुभ मुहूर्त और कुछ खास उपायों के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का आरंभ 15 अगस्त को दोपहर 12:42 पर होगा। अगले दिन 16 अगस्त को दोपहर 3:07 पर इसकी समाप्ति होगी। बता दें कि उदया तिथि के चलते 16 अगस्त दिन बुधवार को अधिक मास की अमावस्या मनाई जाएगी। वहीं इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 4:20 से 5:02 तक रहेगा। मान्यता है कि अधिक मास की अमावस्या पर तीर्थ या पवित्र नदियों पर स्नान करने से हर तरह के पापों का नाश होता है, साथ ही इस दिन किए गए दान का कई गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। बता दें कि अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ पितरों और पीपल पेड़ की खास तौर पर पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, अधिक मास की अमावस्या पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष सुख समृद्धि प्रदान करने वाली होती है। इसके अलावा इस बार अधिक मास की अमावस्या सावन मास में पड़ रही है, तो ऐसे में इस दिन विशेष रूप से भोलेनाथ की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और घर की सुख संपन्नता में इजाफा होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की माने तो अधिक मास की अमावस्या पर संध्या के समय शिवलिंग के पास तिल के तेल का दीपक जलाने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप और दोष दूर होते हैं। चलिए बताते चलें कि इस दिन मालपुआ और पान का दान करने से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। इसी के साथ कुंडली से पितृदोष संबंधी ग्रह दोष को भी दूर करने के लिए इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और काला तिल चढ़ाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। आगे आपको बता दें कि इस दिन गंगा स्नान करने के बाद पितृ सूक्त, पितृ श्रोत और पितृ कवच का पाठ करना बेहद शुभ माना गया है। तो दोस्तों, आप भी अधिक मास की अमावस्या पर ये सब कार्य जरूर करें ताकि आपके जीवन का हर कष्ट दूर हो जाए। कुंडली टीवी डेस्क से तान्या की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।